हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू सी एस अकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 20 का, ये बुक फॉलो कर रहे आर एस अग्रवाल। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 1 से लेकर के 18 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज क्वेश्चन करेंगे 19 नंबर से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा चुके हैं पीछे। यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है, हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी एंड डी आर दिस वन। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्वाड्रिलेटरल बनाइए ऐसे, कुछ इसी तरह से बनता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ठीक है ना। ए का वर्टिसेस कितना है? -4, 0। बी का कोऑर्डिनेट 0, 7। सी का कोऑर्डिनेट 5, -5। एंड डी का कोऑर्डिनेट -4, -2, ठीक है ना। अब देखो इसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए क्या तरीका है, ए को सी से मिला दीजिए, ये दोनों ट्रायंगल हो गया, दो ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, दोनों ट्रायंगल का अलग अलग फॉर्मूला निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ये रहा ट्रायंगल 1, ये रहा ट्रायंगल 2, ठीक है ना, ठीक है। अब चलो, अगर जब मान लो ज़्यादा दिक्कत होता है तो क्या करो, एक ट्रायंगल को इसका नाम दे दो x1, इसका नाम दे दो y1, ठीक है ना। ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये क्या हो गया x3, और ये हो गया y3। पहले ट्रायंगल 1 निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, क्या होगा फॉर्मूला एरिया का, 1/2 x1 y2 -y1 प्लस, एक मिनट रुको, इसको यहाँ नहीं लिखो, इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या होगा, 1/2 x1 y2 -y1 प्लस, सॉरी y2 -y3 प्लस x2, उसके बाद y3 -y1, ये 2 है, प्लस x3 y1 -y2, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से 1/2 अपने जगह सही है, x1 की जगह क्या पुट करेंगे -4, y2 की जगह क्या करेंगे 7, y3 कितना है -5 तो +5, x2 कितना है 0, और y3 कितना है, y3 है -5, y1 कितना है 5, x3 कितना है, x3 है आपके पास 5, y1 कितना हो गया 5, अब y2 कितना हो गया 7, ठीक है। अब चलो ये रहा 1/2, यहाँ -4, 7 + 5 कितना होगा 12, यहाँ तो 0 × something है, सारा पार्ट 0, यहाँ 5, यहाँ कितना हो जाएगा -2 होगा ना, 5 - 7 - 2, यहाँ कितना हो जाएगा -48 और -10, तो ये रहा आपके पास -1/2, और यहाँ कितना हो जाएगा -58। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लेंगे, 58/2 लेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना हमेशा मॉड के अंदर में होता है, इसीलिए मॉड में लेते हैं इसको, किस में लेते हैं हम, मॉड में लेते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पर मॉड में भी नहीं लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, अगर नेगेटिव आया तो हम उसको क्या करेंगे, हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। अब किसका, ट्रायंगल 2 का निकालना है, ठीक है ना। एक काम करो, ट्रायंगल 2 बाहर बना लो, यहाँ पर ट्रायंगल 2 इधर बना लो ऐसे, है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा डी। ए का कोऑर्डिनेट है -4, 5, और बी का सी का कोऑर्डिनेट है 5, -5, और डी का कोऑर्डिनेट है कितना -4, -2, ठीक है। चलो इसका नाम दे दो x1, ये रहा y1, इसका नाम दे दीजिए x2, ये रहा y2, इसका नाम दे दीजिए x3, यहाँ लिख लीजिए y3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, तो फॉर्मूला क्या होता है x1, यहाँ देखो ना फॉर्मूला लिखे x1, तो x1 के जगह पर क्या लिखेंगे -4, और y2 - y1 कितना है y2 - y1, तो y2 - y1 तो -5, और -, प्लस हो जाएगा 2, फिर कितना x2 तो 5, और 3 - 1, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है x2 × y3 - y1, तो y3 - y1 क्या लिखेंगे -2, इधर कितना -5, तो यहाँ हो जाएगा -2 और -5, उसके बाद कितना बोलो इसके बाद कौन सा x3, तो x3 यहाँ पर इधर जगह नहीं है, तो x3 - 4 है उसको ले लो, x3 * कितना y1 - y2,
थ्री के बाद वाई वन माइनस वाई टू, वन हो गया फाइव, इधर माइनस फाइव तो फाइव और प्लस फाइव, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस फोर, ये रहा कितना माइनस थ्री प्लस फाइव, यहाँ कितना माइनस टू माइनस फाइव तो माइनस सेवन, माइनस फोर और पाँच पाँच, इधर कितना हो गया दस, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना प्लस ट्वेल्व माइनस, एक मिनट वन बाई टू तो छूट गया बाहर में, वन बाई टू होता है ना, तो वन बाई टू यहाँ भी हो जाएगा कितना वन बाई टू, ट्वेल्व सॉरी माइनस, हाँ ठीक है ट्वेल्व माइनस थर्टी फाइव और माइनस फोर्टी, ये कितना निकला वन बाई टू, यहाँ ट्वेल्व माइनस कितना इधर से सेवेंटी फाइव, तो वन बाई टू सही है, इधर कितना हो जाएगा सिक्सटी थ्री माइनस सिक्सटी थ्री, ये फाइनली कितना निकला माइनस सिक्सटी थ्री बाई टू। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल टू हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल टू क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे ना, ये सिक्सटी थ्री बाई टू, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए एरिया ऑफ किसका, क्वाड्रिलेटरल का, दोनों का ऐड कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वन और प्लस क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल टू, एरिया ये, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 58 बाई टू, तो 58 बाई टू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल टू कितना 63 बाई टू, तो 63 बाई टू। एलसीएम कितना हो जाएगा टू एलसीएम, तो ये रहा 58 प्लस कितना 63, आठ तीन ग्यारह, छ पाँच ग्यारह एक बारह, कितना हो गया था हाँ सही था, आठ तीन ग्यारह, छ पाँच ग्यारह, ग्यारह एक बारह, एक सौ इक्कीस बट्टा टू, एक सौ इक्कीस में डिवाइड करो दूसरे, कितना सिक्स टाइम में कट गया वन बचा, तो यहाँ पर से कितना इधर लिखेंगे तो सिक्सटी पॉइंट वन कितना हो जाएगा फाइव, इसको करेंगे तो सिक्सटी पॉइंट फाइव स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 60.5 स्क्वायर यूनिट, क्लियर है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, द मिड पॉइंट्स ऑफ हूज साइड्स ए बी बी सी सी ए आर डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हो गया, एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसका आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है, ठीक है ना। लेकिन इस सबका मिड पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बी सी का मिड पॉइंट डी दिया हुआ है, बी सॉरी ए बी का मिड पॉइंट डी दिया है, बी सी का मिड पॉइंट ई है और सी ए का मिड पॉइंट एफ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट चाहिए, चाहिए ना। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक चीज एक बात बताओ, ये सब जो है डी है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट और ये है, इसका मिड पॉइंट, बताओ जो ट्रायंगल एरिया इसका होगा, ये भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल क्या होगा सेम होगा। देखो ना ये रहा एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, फोर ट्रायंगल, चार ट्रायंगल हुआ ना, तो जो ट्रायंगल चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम सब साइड के मिड पॉइंट को मिला करके ट्रायंगल बना दिए हैं इसको, ठीक है ना। तो ट्रायंगल वन का एरिया, ट्रायंगल टू का एरिया, ट्रायंगल थ्री का एरिया, ट्रायंगल फोर का एरिया, तो सब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा सेम होगा। तो अगर एक निकाल देंगे, चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ए बी सी निकलेगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यहां लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो क्या होता है फॉर्मूला, वन बाई टू यहाँ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है ना। अब यहाँ देखो वन बाई टू तो सही है, इसको कंसीडर कीजिए एक्स वन वाई वन, ये हो गया आपका एक्स टू वाई टू और ये हो गया आपका एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। चलो x1 की जगह हम क्या लिखेंगे बोलो, x1 की जगह लिखेंगे 3, y2 माइनस y1 तो 3, एक मिनट y2 माइनस y3 तो 3 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। अब है x2, तो x2 का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ आप लिखिए 5। उसके बाद है y3, तो y3 कितना है माइनस 3 है। y1, y1 कितना है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। उसके बाद x3, x3 कितना है 1। अब यहाँ पर से कितना y1 माइनस y2 तो माइनस वन
और यहाँ y2 है 3, तो माइनस वन और माइनस थ्री, तो ये फाइनली हो जाएगा 1/2, यहाँ 3 इंटू कितना, 3 प्लस 3 6 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2 प्लस 1 इंटू यहाँ माइनस 4, तो 1/2 अपनी जगह सही है। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, 5 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 10, यहाँ हो जाएगा माइनस 4, तो 1/2 यहाँ 18, यहाँ हो जाएगा माइनस 14, तो 1/2 इंटू कितना 18 माइनस 14 कितना होगा 4, 2 2 जा कट गया, ये रहा आपका 2 स्क्वायर यूनिट। कितना स्क्वायर यूनिट निकला है, 2 स्क्वायर यूनिट्स निकला। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या लिखेंगे, देखो अभी समझाएं, जो ट्रायंगल ये ट्रायंगल ठीक है ना, ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल, ये थ्री ट्रायंगल और ये क्या हो गया फोर ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बराबर होगा, तो एक का एरिया निकाल लो उसको चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा का एरिया निकल जाएगा ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो 4 तो सही है और डी ई एफ का ट्रायंगल कितना निकला है 2 निकला है, तो ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट ए -5,11 एंड बी -4,-7 इन द रेशियो 2:7। मतलब यहां पर पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ए का कोऑर्डिनेट है -5,11 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 4,-7, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट हमने माना x,y, और ये क्या कर रहा है ab को 2:7 में बांट रहा है, तो कहता है कि पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब वो पी पॉइंट कैसा होगा, यहाँ पर से लिखिए लेट, हमने माना कि पी क्या है x,y, b the points, डिवाइड्स, ऐसे मत लिखो इसको, थोड़ा सा लैंग्वेज सीधा करो, लेट हमने माना पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी x,y क्या है डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:7 ठीक है ना। देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया आपका m और ये वाला वैल्यू हो जाएगा n का ठीक है ना। तो m बराबर कितना 2 और n बराबर कितना 7 ठीक है ना। तो x का क्या फॉर्मूला होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन कितना m प्लस n, यही होता है ना। तो x बराबर कितना, m के जगह 2 देंगे, x2 के जगह पर क्या देंगे 4, प्लस n के जगह 7 लिखेंगे, x1 के जगह -5 लिखेंगे, m प्लस n तो 2 प्लस कितना 7, यहाँ 8 -35 अपॉन कितना 9, तो ये कितना हो गया बोलो बोलो, 35 में से 8 गया तो बोलो बोलो -27 बाई 9, ये 3 टाइम में कट गया तो ये रहा -3, तो x का पॉइंट क्या निकला -3 निकला ठीक है ना। चलो अब y बराबर कितना होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन कितना m प्लस n, तो m का वैल्यू कितना 2, m का वैल्यू 2, y2 कितना -7 प्लस n का वैल्यू कितना 7, y1 कितना इधर से 11 और अपॉन कितना m प्लस n, तो 2 प्लस 3 नहीं 2 प्लस 7 नॉट 3 2 प्लस 7, यहाँ कितना हो जाएगा -14 प्लस 77 बाई 9, यहाँ पर से कितना हो जाएगा ये 73/9, y इज कॉस्ट टू इतना ठीक है ना। अब फाइनल आंसर यही x और y का वैल्यू निकल गया, यही पॉइंट होगा, एक बार इसका आंसर मिलाते हैं, कितना आंसर, अरे आंसर कहाँ गया, क्वेश्चन था आपके पास 21 नंबर, -3 मिल रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 2:7 -14 ना होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा,
ये कट गया कितना, सेवन टाइम में, तो वाई बराबर कितना, सेवन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट पी कितना है, एक्स कॉमा वाई माने है ना, तो एक्स के जगह पर माइनस थ्री और कॉमा कितना इधर सेवन, यही आंसर होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस कट द ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, मतलब एक्स एक्सिस पर वह जो पॉइंट होगा जो ए बी को क्या करता है, कट करता है, वो कैसा होगा, ध्यान से सुनो। फिर से यहाँ पर क्या लेंगे ए, यहाँ पर क्या लेंगे बी, ठीक है ना। फाइन इस बार क्या करना है, रेशियो निकालना है। यहाँ पर क्या था आपका, रेशियो दिया हुआ था, पॉइंट निकालना है, और यहाँ पर क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, हमने कंसीडर किया एक्स कॉमा जीरो। एक्स कॉमा जीरो क्यों लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स का वैल्यू होता है, वाई नहीं होता है, इसीलिए एक्स कॉमा जीरो। यहाँ एक्स और वाई क्यों लिए हैं, क्योंकि ये यहाँ एक्स एक्सिस की बात नहीं करते, ये प्लेन में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस पर होगा, तो एक्स कॉमा जीरो। चलो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फोर कॉमा फाइव, और बी का वैल्यू है माइनस टेन कॉमा माइनस टू, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या मानेंगे हम, लेट पी है आपके पास एक्स कॉमा जीरो बी, एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है जो क्या कर रहा है, डिवाइड्स ए बी इन रेशियो लेमडा इज टू वन, किस में कर रहा है, लेमडा इज टू वन में। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो, रेशियो निकालना हो, तो हमेशा मान लेंगे लेमडा इज टू वन, एक अननोन मानेंगे और एक क्या मानेंगे, वन मानेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखो ये रहा एक्स वन, ये रहा हुआ वाई वन, ये रहा आपका एक्स टू, ये रहा वाई टू, ये रहा एम, और ये क्या रहा एन। तो एम बराबर कितना कंसिडर हो गया, लेमडा, और एन कितना हो गया, वन। अब यहाँ पर से x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एम एक्स टू प्लस कितना एन एक्स वन, और अपॉन कितना m प्लस एन। तो यहाँ से देखो x बराबर अपनी जगह तो सही है, m m के जगह पर क्या लिखेंगे, लेमडा, x2 x2 का जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस टेन, प्लस n n के जगह पर वन, x1 कितना है आपके पास, फोर, अपॉन कितना इधर, बोलो बोलो, m प्लस एन, तो लेमडा प्लस वन। तो यहाँ हो जाएगा फाइनली x बराबर कितना, माइनस टेन लेमडा प्लस फोर अपॉन कितना, लेमडा प्लस वन। यहाँ तो वैल्यू नहीं निकला, निकला नहीं, नहीं। अब चलो दूसरा क्या है फॉर्मूला, y बराबर एम वाई टू प्लस कितना एन वाई वन और अपॉन कितना m प्लस एन। तो m के y के जगह पर क्या लिखोगे, जीरो, m के जगह पर लेमडा, वाई टू के जगह माइनस टू, माइनस टू है ये, कितना ये माइनस टू, माइनस टू, एन के जगह पर वन, अब वाई वन कितना है फाइव, और यहाँ लिखेंगे कितना लेमडा प्लस वन, लेमडा प्लस वन को इधर जीरो से मल्टीप्लाई करो, सब टर्म जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस टू लेमडा, और प्लस इधर फाइव, फाइव को उठा करके इधर ले आओगे तो माइनस फाइव, माइनस टू लेमडा, लेमडा लेमडा का सॉरी माइनस माइनस कट गया, लेमडा बराबर कितना हो गया फाइव बाई टू, लेमडा बराबर फाइव बाई टू हो गया। अब रेशियो क्या है आपके पास, इसीलिए रेशियो आपके पास क्या था, लेमडा इज टू वन, तो लेमडा बाई वन, तो लेमडा का वैल्यू कितना फाइव बाई टू और अपॉन वन। तो ये फाइव बाई टू अपॉन वन कहने का मतलब कितना हो गया फाइव बाई टू, और ये कितना हो जाएगा फाइव इज टू टू, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कि जो पॉइंट पी है ए बी को किस में डिवाइड करता है, फाइव इज टू टू में करता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पॉइंट को भी निकालिए, ये तो एक्स निकालना पड़ेगा, जीरो तो जीरो ही होगा, एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर इसको लिखिए इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट लेमडा इज इक्वल्स टू फाइव बाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। लेमडा फाइव बाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो माई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ माइनस टेन इन टू कितना फाइव बाई टू, और प्लस इधर से कितना है फोर लेमडा प्लस वन, एक मिनट दिखा रहे हैं, यहाँ पर कितना है माइनस टेन इन टू लेमडा, तो माइनस टेन लिखिए, लेमडा की जगह फाइव बाई टू लिखिए, प्लस फोर, यहाँ फाइव बाई टू और प्लस वन, यहाँ पर से टू से काट दो, इधर कितना बचेगा फाइव, तो माइनस फाइव इन टू फाइव कितना माइनस ट्वेंटी फाइव, और प्लस इधर से फोर, और यहाँ हो जाएगा फाइव प्लस टू, क्योंकि टू एलसीएम ले लिए, तो ट्वेंटी फाइव, ये ट्वेंटी फाइव है, ट्वेंटी फाइव
माइनस फोर कितना हो गया, माइनस 21, ठीक है। अब बट्टा में कितना है इधर से 7, और नीचे में 2 है, इसको बट्टा पलट दोगे तो 2 ऊपर जाएगा, ये नीचे, ये 3 टाइम में कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6, एक्स बराबर कितना निकला, माइनस 6 निकला, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ, इसीलिए रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा माइनस 6, 0। एक आंसर ये और दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डिवाइड्स बाय वाई एक्सिस। इससे पहले क्या था, एक्स एक्सिस में था, यहाँ पर क्या क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है, इन व्हाट पहले कर दिया, मतलब आपको रेशियो निकालना है और किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो निकालना है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर से देखो, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, इसका ए का कोऑर्डिनेट -4, 2 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8, 3, ठीक है ना। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इससे पीछे वाले में क्या था, वो एक्स एक्सिस पे काटता था, यहाँ किस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पर, y एक्सिस पे कट करेगा तो 0, y पॉइंट लेंगे। हमने माना ये p जो है ab को लेमडा एस टू 1 में डिवाइड करती है, तो यहाँ लिखिए लेट, माना कि पॉइंट p 0, y क्या है, डिवाइड ab इन लेमडा एस टू 1, किस में डिवाइड करती है, लेमडा एस टू 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, तो m का वैल्यू कितना लेमडा और n का वैल्यू कितना 1, ये रहा आपका x1, ये रहा आपका y1, इसको कंसीडर करेंगे x2, ये रहा y2। अब चलो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन कितना m प्लस n, तो x बराबर कितना, m के जगह पर लेमडा और x के जगह पर 0 देना पड़ेगा क्योंकि x का वैल्यू 0 है, इंटू x2 कितना है, देखो 8 है, n के जगह पर 1, x1 कितना है -4 और m प्लस n तो लेमडा और प्लस 1, लेमडा प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 लेमडा, यहाँ हो जाएगा -4, -4 को उठा करके इधर ले आओ, यहाँ हो जाएगा 8 लेमडा, 4 दुनिया 8 ये कट गया, तो 1 बराबर 2 लेमडा, तो यहाँ पर कितना होगा बोलो, 1, अरे ये लिखाता ही नहीं है, क्या हो गया इसको, तेरी का नाराज का है चलता है रे पेन। 1 बराबर कितना, 2 लेमडा, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 1 यहाँ है, 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2, ठीक है ना। अब रेशियो क्या माने हो, इसीलिए रेशियो क्या आपका लेमडा इज टू 1 है, मतलब क्या लेमडा बाई 1 लिख सकते हैं, लेमडा का वैल्यू 1/2 निकला है और नीचे में 1, तो 1/2 में 1 से डिवाइड करोगे तो 1/2 ही रहेगा, तो फाइनल रेशियो कितना 1:2 लिखेंगे इसको, ठीक है। एक आंसर ये। अब क्वेश्चन है कि सर पॉइंट क्या होगा वो भी निकालना है, तो अब देखो y बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला my2 प्लस ny1 और अपॉन कितना है m प्लस n, तो y अपने जगह सही है, m के जगह पर लेमडा, y2 के जगह पर 3 देंगे, n के जगह पर 1 देंगे, और यहाँ कितना हो गया बोलो, y1 2 हो गया, अपॉन कितना लेमडा प्लस 1। अब लेमडा का वैल्यू पता है आपके पास कितना, लेमडा का वैल्यू कितना निकाला है 1/2, जहाँ जहाँ लेमडा वहाँ 1/2, तो 1/2 इंटू 3 और प्लस 2, और यहाँ लिखेंगे लेमडा प्लस 1 तो 1/2 प्लस 1, ऊपर में कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1, नीचे में एलसीएम, सॉरी 3/2 प्लस 2, और यहाँ 2 एलसीएम ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस 2, तो फाइनली यहाँ y बराबर इधर से कितना 2 एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो यहाँ 3 और प्लस 4 होगा, देखो ना 2 एलसीएम लोगे तो 2×2=4 प्लस 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2, ये रहा आपका 3/2, ये 2 कट गया, तो y बराबर 7/3, तो y निकला, तो पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पर से क्या लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा,
जीरो कॉमा वाई है तो जीरो कॉमा कितना 7/3, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है, ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज 20 का ये समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्त वालों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।